फरीदाबाद में पॉलीथीन बैन हो गई है और मंडी में मौजूद हैं हम, और कुछ हमारे साथ ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में पन्नी बैन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अंकल जी आप बताइए, कैसा इनिशिएटिव मानते हैं सरकार का? सरकार का ये स्वागत योग्य कदम है। पॉलीथीन पे बैन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि इसमें बहुत देरी हुई है, अभी तक भी जो बैन नहीं हुआ। इसको लोग सड़क आदि पे गिरा देते हैं, उससे सीवरेज बैन होते हैं और पशु वगैरह खा लेते हैं, उनको भी मतलब मुसीबत हो जाती है। तो इसलिए ये बैन करना बहुत ही स्वागत के योग्य कदम है, और ग्राहकों को भी और दुकानदारों को भी इस पर ईमानदारी से अमल करना चाहिए। दुकानदारों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि छोटे लोगों का ही चालान कर रहा है। तो ये तो गलत है, फिर भले ब्रांडेड जो है, जो बड़ी ब्रांड की कंपनियां हैं वो पन्नी में पैक करके अपनी चीज़ों को बेच रही हैं बाजार में, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये इनकी शिकायत दूर होनी चाहिए और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पन्नी की कंपनियाँ बंद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो बंद होगी तभी तो ये जड़ से खत्म होगी बीमारी। ये पॉलीथीन पे चालान गरीब दुकानदारों की कट रहे हैं, बड़े व्यापारियों की पॉलीथीन ऑक्सीजन छोड़ती है, गरीब लोगों की पॉलीथीन ऑक्सीजन नहीं छोड़ती है। हमारी पॉलीथीन पे बैन है, बोला जा रहा है कि ये 50 माइक्रोन तक की पॉलीथीन बैन है। अगर हम 50 से ऊपर माइक्रोन की भी लगाते हैं उस पर भी जुर्माना किया जा रहा है, बड़ी कंपनियों को जुर्माना नहीं हो रहा है। नहीं ये तो देखो, ये तो अच्छी बात है कि पन्नी को रोक लगाई जा रही है महाराष्ट्र, तो पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। योगी ने भी रोक लगाई है, यहाँ भी लग रहा है, तो कोई ये तो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन बड़ी कंपनियों के बारे में क्या कहेंगे, उन पे भी बैन लगने चाहिए, उनकी पैकिंग भी। देखिए ये प्लास्टिक की जो भी पैकिंग हो रही है, प्लास्टिक का जो दाना बन रहा है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ही बना रही है, कोई गरीब आदमी नहीं बना रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए बड़ी कंपनियों के बारे में। जी पहले बड़ी कंपनियों पे भी नकेल कसनी चाहिए, बड़ी कंपनी में लगा लगाओ। तो आप लोग क्या कहेंगे जो हम पूरा समर्थन करते हैं इसका, पॉलीथीन बंद का जागरूक कर रहे हो लोगों को? जी जागरूक कर रहे हैं कि भाई हाँ जी, प्लास्टिक हम उनको बैग में सब्जी दे रहे हैं, नहीं तो अगर कस्टमर चाहता है तो कपड़े की थैला ले सकता है 5-10 रुपए का। अलग चार्ज कर रहे हो जो आप थैला दे रहे? नहीं फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि एकदम से मुसीबत आई है, कस्टमर खुद थैला लेके आ रहे हैं। आप लोगों को घाटा तो हो रहा होगा क्योंकि? जी नुकसान हो जाता है, कस्टमर थैला नहीं लाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। ये बताओ पॉलीथीन के बारे में क्या कहेंगे आप? नगर निगम फरीदाबाद चलान काट रहा है, तो आप लोग पॉलीथीन यूज कर रहे हो? पॉलीथीन नहीं जी, अब थैला यूज कर रहे हैं जी। पॉलीथीन पे बहुत असर पड़ा हमारी दुकानदारी पे। अच्छा ये जो चलान कट रहा है नगर निगम द्वारा, ये आप लोग का ही जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, गरीब दुकानदार है, उनका ही कट रहा है या बड़ों के भी कट रहे हैं? बड़े नहीं जी, खाली गरीब के कट रहे हैं, बड़ी दुकानदारी मॉल फॉल जो कपड़े फपड़े किसी का भी नहीं कट रहे, खाली गरीब के कट रहे हैं, और कम से कम 10-10 हज़ार के चालान काट रहे, नहीं वार्निंग दे रहे, कोई सीधे चालान काट रहे हैं। फरीदाबाद में नगर निगम पॉलीथीन यूज करने पे चालान काट रहा है, क्या कहेंगे आप? कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है सर, हम पीछे से जो कंपनियां हैं वो बंद करवाओ, जब आगे बंद होंगी थैली वगैरह। अभी आपके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ रहा है पॉलीथीन बैन होने से? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ग्राहक लड़ रहे हैं, कोई थैला लेके नहीं आ रहा, थैले में पैसे लगाते हैं 10 रुपये तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और बहुत परेशानी है। आप लोग भी ग्राहकों से कहते हो कि आप थैला लेके आएंगे? हाँ बोलते हैं, कोई कहता ऑफिस से आएंगे क्या थैले लेके आएंगे, कोई पेट्रोल गिरवाना है कोई कहता थैले लेके आएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।